Thank you, Speaker Saab. Yeh awam subai hukumat se sifarish karti hai. Mera khayal hai Ahmed Nawaz Saab yahan par serious, hum log awam ko chala rahe hain, agar aap khamosh ho jaye to behtar hoga. Yeh awam, aap log speaker ko address karte hain jo mujhe bata rahe hain, please. Madam, aap apni qarardad. Yeh awam subai hukumat se sifarish karta hai ki wo wafaqi hukumat se rujoo karke वो सैनेट कौमी असम्बली के मौजूद अराकीन की तरह तर्ज पर मौजूद अराकीन बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए भी ऑफिशियल पासपोर्ट ग्रैंड पासपोर्ट के अजरा की यकीनी बनाए जाए. जी, करारदाद नंबर 18 पेश हुई. क्या मौरिक अपनी करारदाद नंबर 18 की एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएंगे? स्पीकर साहब, जैसे आपको पता है कि हमारे जितने सैनेटर्स हैं, मैडम आपने इसमें फैमिली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मेंबर्स का तो पहले भी है. जी, फैमिली का. अच्छा, फैमिली ये मेंबर्स, में मेरे ख्याल गलती हुई. जी जी जी, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं. मेरी इस करारदाद का मकसद ये है क्योंकि जैसे सैनेटर्स जितने भी हमारे हैं और हमारे नेशनल जितने भी MPs हैं उनके पास हमारे ये ब्लू पासपोर्ट हैं और हम लोगों को ये फैसिलिटी ज़रूर दी गई है, लेकिन जब हम अपनी फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये पासपोर्ट हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है. या तो ये पासपोर्ट ले लिया जाए या हमारी फैमिलीज को भी दिया जाए, जिसकी वजह से हमें अक्सर एयरपोर्ट्स पे तकलीफ उठानी पड़ती है. तो ये एक बड़ी अहम करारदाद थी जो मैंने 3 महीने पहले भी पेश की थी, इसलिए मैं दोबारा पेश कर रही हूँ, तो इसको प्लीज़ काइंडली नज़र में रखें. जी, आया करारदाद नंबर 18 मंजूर की जाए. सर, करारदाद नंबर 18 मंजूर हुई.